अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मणिपुर का एक 19 सेकंड्स का वीडियो कल जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, हालांकि ये वीडियो 4 मई का है लेकिन सोशल मीडिया पर ये अपलोड किया गया कल। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पूरा इंडिया खून के आंसू रोने लगा। जिसके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत थी ना, उसकी आंखें भर आई इस वीडियो को देखने के बाद। और हम लोग सोचने लगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्या इंसानी शक्ल में ऐसे दरिंदे आज भी हमारे बीच रहते हैं? वो वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। आप लोगों को पता है कि मणिपुर में पिछले 2.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, हिंसा चल रही है, फसाद चल रहा है, लेकिन इसके बारे में लोगों को नहीं मालूम था। लेकिन जब ये 19 सेकेंड्स का वीडियो वायरल हुआ तो फिर हर एक को पता चला कि मणिपुर में इतना ख़तरनाक फसाद हो रहा है। ये वीडियो क्या है और इस वीडियो के पीछे का वाकया क्या है, वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। 4 मई को दो समुदाय के बीच जब हिंसा फैली, जिसमें एक समुदाय का नाम है मैती और दूसरे का नाम है कुकी, तो मैती समुदाय चूंकि ये ज़्यादा है तो मैती समुदाय का एक ग्रुप भारी भीड़ के साथ कुकी समुदाय के लोगों पर हमला करने के लिए उनके गाँव में दाखिल हो जाता है और इनके हाथ में लाठी डंडे हथियार वगैरह होते हैं और ये कुकी समुदाय के गांव में घुसते हैं और वहाँ मारना काटना पीटना लूटना शुरू कर देते हैं। तो कुकी समुदाय के जो लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर भागना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो मैती समुदाय था ना, ये भारी लश्कर के साथ बहुत लोग थे इस ग्रुप में और हमला आवर हो गए एक गाँव के ऊपर। तो कुकी समुदाय के लोग जान बचाने के लिए भागते हैं, जिसमें से 5 लोग, जिसमें 3 औरतें होती हैं 2 मर्द होते हैं, ये जंगल की तरफ निकल जाते हैं। और जब ये जंगल की तरफ निकलते हैं तो कैसे ही ये पुलिस वालों को खबर कर देते हैं कि हमारी जान को खतरा है। पुलिस वाले इन 5 लोगों को अपनी गिरफ्त में लेते हैं, अपनी हिफाजत में लेते हैं और इनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं। वहाँ से तकरीबन 1-2 किलोमीटर पुलिस स्टेशन था। जब मैती समुदाय के लोगों को पता चलता है कि ये 5 लोग जान बचाने के लिए पुलिस वालों के पास हैं, तो चूंकि ये लोग ज़्यादा थे, बहुत भीड़ थी इनके साथ, तो ये पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं और पुलिस वालों की गिरफ्त में से इन 5 लोगों को छीन लेते हैं। पुलिस बेचारी क्या करे, क्योंकि वो कम थे, लेकिन एक गैरत होती है ना, जब आदमी के अंदर गैरत हो और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का जज्बा हो तो फिर भीड़ कितनी ही ज़्यादा हो आदमी जुल्म नहीं होने देता। खैर, ये पुलिस वाले भी क्या करते, उस भीड़ ने इन 5 लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपनी गिरफ्त में लेने के बाद एक जो सबसे कम उम्र की लड़की थी, जिसके साथ उसका बाप भी था, उसका भाई भी था, सबसे कम उम्र की लड़की के साथ रेप किया जाता है। सबसे पहले उसको नंगा किया जाता है, उसके बदन पे जो भी कपड़े थे उसको हटा दिया जाता है, उसको फाड़ दिया जाता है और फिर एक एक करके उस लड़की के साथ रेप किया जाता है। भाई चीखता है, चिल्लाता है, अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है तो उसको मार कर ख़त्म कर दिया जाता है। बाप था साथ में, उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है और एक एक करके न जाने कितने लोग उस एक लड़की के साथ रेप करते हैं। बाकी जो 2 लड़कियां होती हैं, जिसमें से एक की उम्र 40 साल थी और एक की उम्र शायद 25-28 साल थी, वो बेचारी डरी हुई सहमी हुई खड़ी होती हैं। फिर उन 2 को साथ लेकर दौड़ा जाता है, चला जाता है और चलते चलते उनके कपड़ों को फाड़ा जाता है, उनके कपड़ों को बिल्कुल जिस्म से ख़त्म कर दिया जाता है और उनके प्राइवेट्स पार्ट को छुआ जाता है। लोग चल रहे होते हैं पीछे, दोनों औरतें नंगी होती हैं बिल्कुल और उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूते हुए लोग चल रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। कितने अफसोस की बात है ना कि 2 औरतों को नंगा कर दिया जाता है और उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ जाता है, मजाक किया जाता है और आगे काफ़ी दूर तक चला जाता है। बस यही वीडियो कोई रिकॉर्ड कर लेता है। 4 मई की ये वीडियो है लेकिन वायरल सोशल मीडिया पर फिर ये कल होती है और फिर पूरे इंडिया को पता चलता है कि ओहो, मणिपुर में ये हो रहा है। हालांकि 4 मई को जब ये वारदात हुई तो दोनों औरतें इतनी डरी और सहमी थीं कि उन्होंने अपनी FIR भी नहीं कराई। वहाँ के प्रधान ने FIR कराई जून में, लेकिन कोई भी कमीना और दरिंदा
इंसानी शक्ल में भेड़िया गिरफ्तार नहीं हुआ। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तब जाके गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। इस वाकये ने पूरे इंडिया को झिंझोड़ कर रख दिया है, पूरे इंडिया को जो है ना सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे मुल्क में ऐसी घटनाएं आज भी हो रही हैं, औरतों के साथ ऐसा हो रहा है। मेरे अजीज भाइयों, बहुत दर्द भरी ये वीडियो है। आप लोगों ने देखी होगी तो ज़रूर आपने देखा होगा कि आपको देखकर कैसा लगा होगा। एक जिसके अंदर भी इंसानियत है वो इस चीज़ को महसूस कर सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमें एक मर्तबा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने जो हमारे प्रॉब्लम्स है ना कि वो मुसलमान है वो हिंदू है, इससे हटकर हमें सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। जिन हुकूमतों को हम वोट देकर अपना उनको निगरा बनाते हैं वो हमारे साथ कैसा मामला करती हैं। मणिपुर में इतने हालात ख़राब हैं, लोगों को तो पता ही नहीं था। जब ये 19 सेकंड्स का वीडियो वायरल हुआ तब पता चला, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले और लोग बोले और हमें भी पता चला कि इतने हालात ख़राब। ये तो कुछ वीडियोज़ हैं जो रिकॉर्ड हो जाती हैं, वरना ऐसी न जाने कितनी ख़वातीन होंगी जिनके साथ ऐसा हुआ होगा और वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो ये पूरा मामला था, पूरी कहानी थी मणिपुर के उस 19 सेकंड्स के वीडियो की जो मैंने आप लोगों को बताई। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस तरह के दरिंदों को हमारे मुल्क से ख़त्म फरमाए, नेस्तो नाबूद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।